नहीं कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि एक अच्छी शोध कार्यक्रम के लिए, एक अच्छी शैक्षिक कार्यक्रम के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग, हिंदी विद्यालय, हिंदी शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आवश्यक है। हिंदी बाल्य कहानियाँ को, बाल्य साहित्य को विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि बालक ही हमारे देश के भविष्य है। अगर बाल साहित्य में वह हिंदी का प्रयोग करेंगे तो निश्चय ही आगे जाके एक अच्छे हिंदी साहित्यकार बनेंगे। अपने दैनिक जीवन में भी हिंदी भाषा का प्रयोग करना अति आवश्यक है। रोजगार रहे, आज हम सामाजिक परिवर्तन आ गया है, हमारे देश में भी नगर महानगरों में बदल गए हैं। महानगर तकनीकों का नगर होता है, वहाँ तकनीकी टेक्नोलॉजी बहुत अधिक होती है, औद्योगिकता देखी जाती है, जिसके कारण जब हिंदी भाषी महानगरों में जाते हैं, अपनी हिंदी भाषा को साथ लेकर जाते हैं, तो उन्हें उतनी महत्व नहीं दी जाती है, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में ज्यादातर कार्य अंग्रेजी भाषा में ही संपन्न किए जाते हैं, जिसके कारण हिंदी भाषी को महत्वहीन माना जाता है और हिंदी भाषा के व्यक्तियों के मन में या एक शंका बैठ जाती है कि क्या हिंदी के जरिए वह रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं। ये सभी शंकाएं उनके अंदर बैठ जाती है, जिसके कारण जब वह अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त कर उच्च शिक्षा में जाते हैं तो वह हमेशा रोजगार साहित्य वाले भाषा को चयन करते हैं, भाषा का चयन करते हैं, अब वह हिंदी भाषा को महत्व नहीं देते हैं। तो हमें जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषियों को रोजगार दे सके, जिससे कि वह इस ओर आकर्षित हो, इस क्षेत्र में हिंदी भाषा के क्षेत्र में कार्य करे, हिंदी भाषा में रोजगार का कम होना भी एक हिंदी भाषा के लिए, हिंदी साहित्य के लिए समस्या है। अपने दैनिक जीवन में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना उचित है। अगर हम हिंदी का प्रयोग बनाएंगे, हिंदी पत्र पत्रिकाओं का निर्माण करेंगे, हिंदी में शोध कार्य करेंगे, हिंदी अच्छे अच्छे कार्यक्रम, चलचित्र या नाटक का निर्माण करेंगे, तो हिंदी भाषा के क्षेत्र में अवश्य रोजगार प्राप्त होगा, युवा यहाँ आकर्षित होंगे और हिंदी भाषा को विकसित करने का वह नित प्रयास करेंगे। साथ ही साथ विश्व स्तर पर हिंदी को पहचान दिलाने की एक आवश्यकता है। सभी विकासशील देश अपनी मातृभाषा को लेकर चल रहे हैं, परंतु अभी भी भारत में यह अभाव है कि विश्व स्तर पर हम हिंदी को वह पहचान नहीं दिला पाए हैं जो बाकी देश अपनी देश की भाषाओं को दिला पाए हैं। तो जरूरी है कि हिंदी भाषा का वैश्वीकरण किया जाए, ताकि यह विश्व स्तर पर विकसित हो सके, इसका साहित्य विश्व स्तर पर विकसित हो सके, दिन पर दिन लोग इसे पहचान सके, इसे जान सके, इस भाषा के साहित्य में रुचि ले सके। कला तथा कला के क्षेत्र, संगीत के क्षेत्र में भी हमें हिंदी भाषा को बढ़ावा देना आवश्यक है। आज ज्यादातर लोग पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य गाने को पसंद करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी जो हिंदी भाषा के गाने हैं, उनमें भी अंग्रेजी भाषाओं का मिश्रण हमें देखने मिल रहा है। तो यह जरूरी है कि कला और संगीत के क्षेत्र में भी हिंदी साहित्य को बढ़ावा दिया जाए। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी पाश्चात्य संस्कृति का आना हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के लिए एक चुनौती व समस्या बन गई है। आशा करती हूँ इतने विषय बिंदु आपको समझ में आए होंगे। इससे संबंधित पीडीएफ मैं आपको दे रही हूँ, जिसके जरिए आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अगले कक्षा में हम डीएलएड के अन्य विषय बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।